एटमोसफेयर से ढकी हुई है और एटमोसफेयर्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स पर डिपेंड करती हैं तो इस टॉपिक इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे चैप्टर का कर नाम है एटमोसफेयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स हैं ज़मीन से ऊपर जो है लेयर्स बोलते हैं जो कि डिफरेंट गैसेज से बनी हुई एक लेयर होती है एक छत की तरह होती है लेयर layer, तो लेयर्स कितनी हैं एटमोसफेयर्स कितनी है लेयर्स पॉल्यूटेंट्स क्या है एसिडेंट ओजोन ग्रीन हाउस ये सब हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के और एट कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर सो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ हमारे पास जो आपकी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर एटी सेवन पर इन लिस्ट मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सिस के एयर पॉल्यूटेंट्स जो है उसके लिस्ट बताएं उनके नाम बताएं और ये कहाँ से हासिल होते हैं एयर पॉलिटेंट्स पॉलिटेंस की डेफिनेशन ये है कि पॉलिटेंस एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एयर को मतलब इम्प्योर करते हैं जो फ्रेश एयर है हमारी एयर में आपको पता है कि नाइट्रोजन सेवेंटी मौजूद है उसके बाद ऑक्सीजन से ट्वेंटी मौजूद है वन डिफरेंट गैसेज है जो कि बहुत कम क्वान्टिटी में होती हैं तो गाड़ियों का धुआं है जो फैक्ट्रीज कंपनीज के जो स्टीम चैम्बर्स होते हैं और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है गाड़ियों की सल्फर डाइऑक्साइड ये एयर को ख़राब कर देती हैं एयर को इमप्योर कर देती हैं जिसको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं तो एयर पोल्यूटेंट्स के हमको ना, नाम को नाम लिखने हैं और इनके सोर्सेज बताने हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं आ, मतलब जो ये है एयर पोल्यूटेंट्स हासिल होती हैं एयर पोल्यूटेंट्स जो है ये हवा के लिए नुकसानदेह होती हैं ओके तो स्टूडेंट्स पेज नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बुक के पेज नंबर पर पे यहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स की हेडिंग है देखें पोल्यूटेंट्स लिखा हुआ है पेज नंबर सेवेंटी सेवन पे ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एयर पोल्यूटेंस मेजर एयर पोल्यूटेंस कौन कौन से हैं ये मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर पॉल्यूटेंस ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एयर के लिए फ्रेश एयर के लिए नुकसानदेह होते हैं इनके नाम लिखने हैं हमको सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हैं सी ओ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोकार्बन्स अमोनिया एंड फ्लोरिन कंपाउंड्स ये सब एयर पोल्यूटेंट्स के केमिकल्स हैं जो कि फ्रेश एयर के लिए डेंजरस हैं इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो फ्रेश एयर के लिए नुकसानदेह हैं इसके अलावा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक एसिड तैयार होती है नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बनता है इस तरह हाइड्रोक्लोरफ्लोरिक हाइड्रोकलोराफलोरिक uh, ये नज़र नहीं आ रहा सही से एसिड ये सब जो है एयर पोल्यूटेंट्स है जो कि नुकसानदेह हैं अभी डायग्राम में देखें जैसे कि आपको गाड़ियों का जो धुआँ और स्टेशनरी जो गारबेज जो का जो रद्दियाँ वगैरह कागज़ वगैरह ये सब जो जलाई जाती हैं इसको स्टेशनरी इस के तौर पे दिखाया गया है डायग्राम में और ये माउंटेंस में से जो वॉल्कैनिक्स जो होते हैं केमिकल्स डिस्पोजिंग जो होती हैं कंपनीज का जो बॉयलर्स का जो धुआं है चैम्बर्स हैं ये सब जो है एयर पोल्यूटेंट्स है केमिकल्स हैं ये दिखाए गए हैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये आल टू आल जितनी भी गैसेज़ हैं ये एयर के लिए नुकसानदेह गैसेज होती हैं जो कि एयर फ्रेश एयर को इम्प्योर करती हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो दिखाई गई है सेकेंड डाइग्राम में हमारे को यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड है एस टू एस ओ फोर ये सल्फर डाई से तैयार होती है नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड से बनती है एच एन ओ थ्री तो ये जितनी भी ये ये एंड का बायस बनते हैं यानी कि ये भी हवा के लिए नुकसानदेह हैं ये तमाम गैसेज ये एयर पोलिटेंट्स होती हैं तो ये इसका आंसर इसके बुक के अंदर ही मौजूद है हेडिंग डली है इनके नाम लिख लीजिएगा इन तमाम केमिकल्स के गैसेज़ के नाम लिखिएगा और उसके बाद ये मेजर एयर पोलिटेंट्स हैं ओके सो so, स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पॉलिटेंट्स की हेडिंग डाल के इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा क्या है डेफिनेशन कि पॉलिटेंट्स आर केमिकल्स एक ऐसे केमिकल्स होते हैं डेट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट हवा को पॉल्यूट करते हैं ख़राब करते हैं ठीक है उसके बाद आप लिख दें ऑन द अदर एंड थिंग्स ऐसी चीजें डेट मेक्स समथिंग इम्प्योर जो कि हवा को इम्प्योर कर देती हैं ओके सो स्टूडेंट्स इसके अलावा पॉलिटेंट्स इन द एयर हवा में जो पॉलिटेंट्स हैं ऑल्टर द वैदर वेदर को नुकसान पहुँचाते हैं निगेटिव इंपैक्ट पौधों के लिए नुकसान दें हाफ वेजिटेशन है ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसान दें हैं ओके उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटेंट्स की ये तमाम नाम लिख देंगे कौन कौन से पोलिटेंट्स होती हैं एयर पॉलिटन्स वाटर पोल्यूटन्स सोलर पोल्यूटन्स थर्मल प्रोटेन्स रिडेक्टिव पोलटिन नॉइस पोल्यूटन्स लाइट प्रोटनस ये तमाम नाम लिखेंगे उसके बाद आप मेजर एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि हवा के लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं ऐसे जो कि एयर को हवा को नुकसान पहुँचाते हैं इम्प्योर करते हैं तो यहां से आप इसका लिख दीजिएगा ये यहां से पूरा इसका यहां से लेकर के यहां तक उतार दें आप ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोकार्बन वगैरह सल्फेरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सही है ये सब एयर पॉलिटेन्स के नाम है ठीक है तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ओके सो स्टूडेंट्स एस एंडली टू हिट द बेल आइकॉन लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच